Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in multi-commerce classes, Muzaffarpur, Bihar. पिछले वीडियो में हमने आपको पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स के बारे में बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एलएलपी के बारे में बात की है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में डील करेंगे जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे इससे रिलेटेड एक टर्म हम बताए थे आपको, एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अगर हम इसको देखें तो 11th में जो आप लोग पीएल अकाउंट बनाते थे ये जस्ट उसी के तरह है, लेकिन रूल क्या है, पीएल अकाउंट के बनने के बाद ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यानी पार्टनरशिप में पीएल अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी पीएल अकाउंट बना रहता है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें हम पीएल अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जानेंगे जो पीएल एप्रोप्रिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज़ जस्ट लाइक पीएल अकाउंट एंड इट कैन बी ऑल्सो नोन एज पीएल एडजस्टमेंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड इट इज़ जस्ट द एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट शुड बी ऑल द एडजस्टमेंट टू बी एडजस्टेड इन पी एल एप्रोप्रिएशन। आफ्टर दैट रिमेनिंग फिगर दैट इज सेड टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर। तो पी एल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही होता है, जो आपके पार्टनर के बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वो सारे एडजस्टमेंट को लेता है, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, दिस दैट है, वो सारा लेकर के वो क्या बनाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ जस्ट बिगर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएल अकाउंट, बट इट कैन बी मेकिंग आफ्टर पीएल अकाउंट। क्लियर है? अब हम लोग इसके फॉर्मेट को देखेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर बना हुआ है पी एल अप्रोप्रिएशन को हम लिखे भी हैं, जो पी एल अप्रोप्रिएशन को क्या बोलते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेबिट साइड को देखेंगे। पी एल अकाउंट का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पी एल अकाउंट की मदद से होता है। आप देखे होंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों में मैंने क्या लिखा है, टू पी एल अकाउंट, और यहाँ भी लिखे हैं बाय पी एल अकाउंट, लेकिन इस दोनों में से कोई एक होगा। यानी कि टू पी एल है, और चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड लॉस ही होगा और क्रेडिट साइड प्रॉफिट होगा। ऐसे हम आपको याद रखने के लिए हमने ब्रैकेट में देखिए यहाँ लॉस लिख दिया है और यहाँ ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दिया है, और ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, या तो प्रॉफिट दिया रहेगा या तो लॉस दिया रहेगा। क्लियर है? लॉस दिया होगा तो आप डेबिट में लेंगे और प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्रेडिट में, लेकिन मोस्ट वेबली क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, प्रॉफिट ही दिया रहता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट कैन बी मेकिंग आफ्टर पी एल अकाउंट, एट फर्स्ट वी कैन बी टेकिंग पी एल अकाउंट प्रॉफिट और लॉस। देन आफ्टर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लीजिए हम इस फॉर्मेट में तीन पार्टनर को रखे हैं ए बी और सी, तो हर पार्टनर का कोई ना कोई कैपिटल होगा, 10,000, 20,000 जो भी हो, उस पर अगर इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डेड में होगा, पार्टनरशिप डेड में अगर 5% है, 6% है, 7% है, जो भी दिया है, तो वो परसेंट से क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लियर? तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का, तो वो क्या करेंगे, इकट्ठा लिख करके यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग असरटेन करते हैं, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक आइटम का असरटेन ही रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट है मेरा टू सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो सैलरी। टू कमीशन, अगर कमीशन मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा टर्म है तो डेबिट साइड ही देंगे, क्योंकि ये फर्म का क्या है, एक्सपेंस है। तो फर्म क्या कर रही है, सैलरी पार्टनर को दे रही है, फर्म ही कमीशन दे रही है, फर्म ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो वो क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। अब एक नया टर्म है टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ये थोड़ा अलग है बट अभी इस पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। रिजर्व मतलब जो जमा पूंजी है उसमें से कुछ रुपया ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, ये एक्सपेंस भी है, लॉस भी हो सकता है,
तो ये आपको दिया रहेगा सवाल में टू ट्रांसफर टूरिज्म, इसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स है जो फिलहाल आपको रिमाइंड करना है। एक बार हम लोग फिर से सोचें, डेबिट में क्या होगा, पीएल का लॉस होगा, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर का सैलरी होगा, पार्टनर का कमीशन होगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा। क्लियर? अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, अब हम लोग क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं। क्रेडिट में दो ही आइटम याद रखना है, एक तो प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट जो हम लोग अभी डील कर चुके हैं और दूसरा इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि जब हम ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं तो उस पर हमको रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का नाम हम लिख दिए हैं और वो सब टोटलिंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे असर्टेन का। अब क्या है, दोनों साइड को इक्वल करना है। तो अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम कम हो गया तो लॉस हो गया, और अगर आपका इनकम साइड ज्यादा हो गया और एक्सपेंस साइड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो लास्ट का हम लिखे हैं ये बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों में से कोई एक होगा, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। लेकिन ज्यादातर जो हमारा प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होता है वो प्रॉफिट ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। हमने ये ब्रैकेट में लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यानी ये जो प्रॉफिट आया है ये किसमें ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स में। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। दो वर्ड है, कैपिटल और करेंट, तो इसके बारे में हम लोग कैपिटल अकाउंट्स का डिटेल जानेंगे इस टॉपिक के बाद। तो टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को गिवन रेशियो इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर डीड में इक्वल बांटना होगा तो इक्वल करेंगे, अगर डीड में कोई रेशियो होगा तो रेशियो में बांटेंगे, और अगर हमारा लॉस हुआ तो वहाँ भी सेम चीज़ है, लॉस में भी हमारा जो पार्टनर है जो भी लॉस का उसका रेशियो होगा वो बांट करके हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देंगे। यानी इस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट था। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरली ये अकाउंट की मदद से ही फिर हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम लोग पार्टनर्स लोन बनाएंगे, यानी हर अकाउंट इसी से रिलेटेड होगा। इसको आपको अच्छे से समझना है, और इसके बाद आपको नोट्स में एक बनाना है जो पीएल अप्रोप्रिएशंस का डिफरेंस बनाना है पीएल अकाउंट के साथ। उसको हम बोर्ड पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि पीएल अकाउंट हम सब बच्चे जानते हैं जो पीएल अकाउंट क्या है, और पीएल अप्रोप्रिएशन हमने भी बता ही दिया है, बस आपको हम ओरली एक बार समझा दें। पीएल अकाउंट भी नॉमिनल है, पीएल अप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल है, बट पीएल अकाउंट जो है वो नॉर्मली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, और ये पीएल अप्रोप्रिएशन जो है प्रॉफिट में तो बनता ही है लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में बनता है। और पीएल अकाउंट में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो बनता ही बनता है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनेगा, जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, पीएल अकाउंट में हम लोग किसी पार्टनर का नाम नहीं डालते हैं, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का नाम होता है। इसमें सारे रिलेटेड टर्म होते हैं। पीएल अकाउंट में रेंट दे सकते हैं हम लोग, लोन दे सकते हैं, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशंस में हम लोग सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह डाल के इसको हम लोग बनाते हैं। तो यानी कि मेनली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स जो होता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन होता है, और नॉर्मली जो प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करना होता है वो पीएल अकाउंट में होता है। तो बहुत ईजी था, इस डिफरेंस को आप अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशंस के अकाउंट को आप अच्छे से समझेंगे, और दूसरा इस अकाउंट को देखते हुए आपको जर्नल समझना है। इस जर्नल को हम राइट डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके नोट्स बुक में होना चाहिए, बच्चे खुद भी कुछ काम करें, क्योंकि अकाउंट बना है तो जर्नल बनाना बहुत आसान है। फिर भी हम आपको एक बता दें, सपोज कीजिए ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या जर्नल होगा, ये कौन साइड में है, डेबिट साइड में, किसके डेबिट में है, पीएल अप्रोप्रिएशन, तो जर्नल क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर?
इस पीएल अकाउंट का क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, यानी इस डेबिट साइड का जितना आइटम है वो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या कहलाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन। बहुत इजी है। और इस क्रेडिट साइड का जितना आइटम है, तीन आइटम है, पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस, ये तीनों को आप डेबिट कर दें, क्योंकि ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, और किसका क्रेडिट है, पीएल अप्रोप्रिएशन का। आप जर्नल क्या लिखोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस अकाउंट डेबिट, तो नेट लॉस में आप पार्टनर्स का नाम डालोगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है जर्नल करना अकाउंट से, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका डेबिट का आइटम जर्नल में क्रेडिट हो जाता है और क्रेडिट का आइटम जर्नल में डेबिट हो जाता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन आज के इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक था। इसको बच्चे अच्छे से रीड करके नोट्स बना लें और डिफरेंस जो मैंने बताया वो नोट्स बना लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ छोटे टर्म्स का कैलकुलेशन जानेंगे और कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।